सिगरेट स्मोकिंग भी कवर करनी है, आपको वेपिंग भी कवर करनी है, आपको गुटखा भी कवर करना है, टोबैको के जितने भी फॉर्म्स हैं नोन अननोन जी सारे कवर करने हैं। तो बेसिकली यू नो देन दैट्स व्हेन आई टोल्ड वैशाखी दैट यू नो मुझे ये थॉट आया कि आज टोबैको कंज्यूम करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड वी ऑल नो दैट। तो जो भी टोबैको यूजर्स हैं सबको पता है, वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा है उससे ज्यादा उनको पता है कि ये इससे क्या क्या नुकसान हमको पहुंचेंगे, फिर भी लोग पैसे देके अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं और शायद उनको लगता है कि इसमें मजा भी आ रहा है। तो आज हम अपनी जिंदगी को क्यों आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो अननेसेसरली व्हेन यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। लाइफ आई मीन जिंदगी खुदा का इतना प्यारा तोहफा है हम सबके लिए, तो आज उसको नुकसान पहुंचा के हमको क्या मिल रहा है। तो इसलिए वो थॉट मेरे जहन में आया कि हम चलो आज खुद से प्यार ज्यादा करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि हम जिंदगी जिएंगे। सांसें लेने का नाम जिंदगी जीना नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें, सिर्फ सांसें चल रही हैं तो जिंदगी नहीं जी रहे हो आप, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आपकी जिंदगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी आपकी है ही नहीं, ये आपके चाहने वालों की। आज आपकी माँ बाप बीवी भाई बहन बेटे जो भी दोस्त यार, आज उनका पूरा पूरा हक है आपकी जिंदगी पे। आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उनको तकलीफ पहुंचा के अपनी जिंदगी को हार्म करें, और इवेंचुअली आपसे ज्यादा तकलीफ जब जब कोई मरता है तो वो तो मर जाता है, रोते जो है ना पीछे रह जाते हैं वो रोते। तो इसलिए वी थॉट के मैंने सलीम भाई से जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो ही इमीडिएटली लव्ड इट, ऐसा कि पिछली चिंतन एवरीबडी अप्रूव्ड इट एंड यू नो स्ट्रेट अवे मतलब ये एक थॉट बन गया एंड दैट्स हाउ यू नो आई थॉट के ये डायरेक्शन में सारे टोबैको के प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे। बढ़िया के बड़ा दैट्स ऑन अ लाइटर नोट टू बी एबल टू गेट द राइट मैसेज अक्रॉस व्हिच इज व्हाई आई थिंक एंटरटेनमेंट इज अ राइट वे टू पुश दिस अक्रॉस एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास तौर से यू नो अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यूज करेंगे टोबैको के मतलब डिस्करेज करने के लिए, आई थिंक उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा लोगों पे। बिकॉज एज सलीम भाई राइटली सेड कि जब आप कोई गाना सुनते हो तो आपको इमीडिएटली वो टच करता है, आप रोमांटिक सैड सॉन्ग सुन के रो भी देते हो और सेलिब्रेशन के गाने सुन के नाच भी लेते हो, तो ऐसा कोई मैसेज कभी कभी आपको छू जाता है। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इस गाने को सुनकर अगर एक बंदे ने भी सिगरेट छोड़ दिया, टोबैको छोड़ दिया एक बंदे ने भी, तो आई थिंक यू नो आई विल फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ अबाउट द एंटायर टीम दैट वी हैव डन समथिंग, एटलीस्ट हमने एक के साथ में नुकसान होने को बचा। डॉक्टर सुमिता दिस फाइट इज अ लॉन्ग फाइट। सो जस्ट व्हेन अ पेशेंट कम्स इन आई ऑलरेडी आई एम डीलिंग विद द प्रॉब्लम फ्रंट ऑफ माय आईज राइट, बट द ट्रू प्रॉब्लम इज व्हाट दिस कैंपेन एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू एड्रेस। सो यू वांट पीपल टू स्टॉप दे आर यूजिंग एंड अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो आगे जाके यूज। ओके सो वेन पीपल कम टू मी, कैंसर तो इज माई डे एंड नाइट जॉब, बट दी आइडिया इज के जो उनके साथ आते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, एज वैशाखी सेड मुझे गुटखा भी डालना है, स्मोकलेस भी डालना है, द फैक्ट दैट इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, दिस इज द प्रॉब्लम। एंड you know wherever there's variety there's also a variety of disease which is going to happen, so bahut tarike ke log bhi aate hain, bahut tarike ke bimariyan bhi aate hain. Now when it comes to this I think the like you all have highlighted the main thing is ke the family member should also be sensitized ke acha ye you know they say ke upar wale ne diya hai, ye to kuch chai bhi nahi peete the, ye to ye bhi nahi karte the, so people are yet in that denial कि ये तो तंबाकू से तो होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हमारे माँ बाप भी खा रहे थे, हमारे दादा परदादा भी खाते थे, तो उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कैंसर तो एक एस्पेक्ट है, आप देखो तो जो कैंसर जैसे सबने बोला है कैंसर तो हो गया है, आदमी खत्म हो गया, पर जो ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, दीज आर लाइफस्टाइल किलर्स। तो इमेजिन लिविंग योर होल लाइफ, आप एक ही गोली दो गोली तीन गोली आप खाते जाओ जब तक आप नहीं जाओ, वर्सेस आप एक ही बार में खत्म हो जाओ। बड़ा लाइन सर, खाते जाओ जब तक नहीं जाओ। राइम हो गया। दीज आर द चलो
we have the professional there. But you know, इसी humor के साथ सर आप patient को भी बोलते होगे ना? नहीं नहीं वहाँ वहाँ तो humor. हाँ humor नहीं चल. But the idea is, you know, cancer एक aspect है. Definitely जो सबसे you know जो देखने के लिए अच्छा चीज नहीं है. पर आई फील पर्सनली जो बाकी जो डिजीजे होती हैं, जो लंग प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए कोविड, ये कोविड ने बहुत लोग बोलते हैं मैं आज तक सांस नहीं ले पाता हूं. yes. तो आप सोचिए कि इस कठिनाई को लेके आप और 30-35 साल जी लो वर्सेस आप एक ही बार में काम हो जाए. तो आई डोंट थिंक यू नो योर लाइफस्टाइल शुड बी हैम्पर्ड. तो ये एक चीज है. प्लस यू नो इन्होंने जो किया है एज अ वीडियो, आई थिंक दैट इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म. क्योंकि अब तक क्या होता है कि हम लोग फोटो दिखाते हैं, पर एज लोगों सेंसिटिव डिसेंसिटाइज भी हो जाते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. पर हम आंख तो बंद कर सकते हैं, पर कान तो नहीं बंद कर पाएंगे. Correct. तो ये चीज जो हम बार बार ऐसे यू नो हैप्पीनेस के लिए सोच रहे हैं, जिंदगी मिलेगी, जिंदगी अच्छी है, we should live it in the right way. I think that is the right way forward, and definitely I am sure this campaign will make a huge difference. मैं जोया का सारा लिया लेना चाहूंगा. जिंदगी डेफिनेटली ना मिलेगी दोबारा भैया अगर ये चलते रहे. राइट, ओपनिंग आउट टू एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस. वर्ल्ड विद चिंतन आल्सो फॉर क्वाइट अ व्हाइल, एंड यू नो आई नो यू बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन दीज लाइंस आल्सो दैट यू हैव. सिर्फ आप ऐसे किताब पढ़ने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए प्रेस रिलीज नहीं देते हैं, यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. Yeah, the thing is that music is such a powerful thing, and you know, I have seen from my experience, itne saalon se hum dekh rahe ke sangeet ki jo pakad hoti hai logo tak wo zyada zyada pahunchti hai, zyada phailti hai. And I felt jab ye project hamare paas aaya India versus Tobacco ka, to you know, I felt like agar main isko agar main apni jee jaan se you know iske andar shamil ho jaun, and we agar hum ek जरिया बन जाए फॉर द मैसेज टू गो आउट टू पीपल कि हम किस तरह से लोगों को स्टॉप करें फ्रॉम यूजिंग टोबैको, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. हम नॉट जस्ट फॉर अस फॉर आर फॉर सलीम सुलेमान और फॉर पीपल हु आर हियर, बट फॉर द एंटायर नेशन, फॉर द फॉर मैनकाइंड इन जनरल. होता यह है कि लोग सोचते हैं कि हाँ दे देंगे, वील गिव इट अप, वील छोड़ देंगे हम टोबैको, शायद हम यू नो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक. पर जब कुछ ऐसा एक यू नो एंटरटेनमेंट के थ्रू जब कोई मैसेज आता है, चाहे वो एक गाना हो या एक फिल्म हो या म्यूजिक वीडियो हो, तो उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है. इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर ये एक गाना और एक म्यूजिक वीडियो के जरिए एक मैसेज लोगों तक पहुँचाया जाए, तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा गहरा होगा. And that's why we felt like, you know, it was important to make a song like that. And aaj zindagi jeete hai, aaj zindagi jeete hai. Kal ka to chhodo, bahut ne bahut bura kiya hai apne aap ke saath, is samaj ke saath. But aaj se kya hum ye change le aa sakte hain? Aur ye gaane ka message hi ye hai. Bahut kamal ka likha hai Irfan ne. Aur mujhe bahut acha laga that Aditya jo hamare saath hai yahan pe. Aditya Kalwe, get up. He's sung it so well. इसकी आवाज में एक एक ऐसा power है जो लोगों तक पहुंचता है. And I'm very happy that we could, you know, through this ये song के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से हम एक बहुत ही strong message जो आज के दौर में बहुत important है हम सब के लिए, खासकर हमारे youth के लिए. Because I'm sure doctors would, you know, they would confirm that बहुत सारे patients जो है, they are all most quite a lot of them must be under 50, right, doctor? What do you think? Yeah, lot. Actually, जो initiation का age होता है, that is almost 1/5 of the users. मतलब 25% जो बोलते हैं, they start between 13 and 15. And अगर आप कहते हो prevention is better than cure, तो जरूर ये prevention स्टार्ट होता है एक मैसेज से जो लोगों को अंदर, और लोगों के अंदर आप कितना भी उनको भाषण दे दो, कितना भी समझा दो, कुछ भी बता दो, बट जब एक गाना सुनते हैं ना, जब एक 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 म्यूजिक वीडियो देख, जब स्पेशली जब सुनते हैं कुछ, तो उससे एक अंदर एक एक फीलिंग आती है. इस ये चीज को मैं मतलब हम सब समझते हैं कि क्या म्यूजिक का इफेक्ट है.
तो इसलिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वाइटल स्ट्रेटजीज एंड वेब रेंजर्स कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने ये कंसीव किया इंडिया वर्सेस टोबैको इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट और इस आई होप कि इसका इफेक्ट हमारे पूरे देश भर में बहुत ज्यादा फैले थैंक यू And I love your enthusiasm every single time because you. So, tobacco consumption is the leading cause of mortality, premature mortality. And in India, tobacco use causes 1.35 million deaths per year. The median age to start tobacco consumption with respect to cigarette is 11.5 years. For BD, it is 10.5 years, and for smokeless tobacco, it is 9.9 years, according to the Global Adult Tobacco Survey, which was conducted in 2016-17, India fact sheet. So this median age is very important, क्योंकि जितना जल्दी आदमी इसकी शुरुआत करता है, उसके वजह से उसका addiction ज़्यादा लंबा चलता है. और उसके शरीर पर उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जल्दी आते हैं और बहुत देर तक रहते न कि सिर्फ उसके ऊपर पर उसके पूरे फैमिली के ऊपर भी उसका असर पड़ता है जैसे कि एक्टिव स्मोकिंग हो पैसिव स्मोकिंग हो या थर्ड हैंड स्मोकिंग हो या फोर्थ हैंड स्मोकिंग हो कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है या कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकलेस टोबैको है ये सब कुछ घातक रहता है शरीर को हानि करता है कोई भी फॉर्म या कोई भी लेवल टोबैको का लेवल सफिशिएंट होता है आदमी को हेल्थ हजार्ड कॉज करने की और इसके ऊपर से जो फैमिली के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है उसका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिकल लॉस होता है पर्सन जल्दी गुजर जाता है मॉर्टेलिटीज आते हैं मॉर्बिडिटीज आते हैं उसके लिए उसका सफरिंग पूरे फैमिली का ज़्यादा बढ़ते जाता है इसके लिए जो हम देखते हैं जो मेरे हम आई एम रनिंग प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी ओपीडी इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तो जो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार 80 साल के आदमी ने अपने ग्रैंडसन को लेके आया था वो सिर्फ 11 साल का था अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था सिर्फ स्ट्रॉ से वो खाना पीना खाता था उसका डैडी नहीं था यानी कि वो जो ओल्ड मैन था उसका लड़का गुजर गया था और काम पे जाना पड़ता था इसके लिए बच्चे को बहुत जल्दी उसने तंबाकू की आदत लगा दी तो पूरा उसका मुंह ही नहीं खुल पा रहा था तो ये जो टोबैको यूज़र्स हैं इन्होंने अपनी खुद की जांच मुंह की जांच हर महीने में आईने में देख के करनी ज़रूरी है कोई लाल चट्टे सफ़ेद चट्टे या और कोई अल्सर है जो नहीं भर रहा है या घाव नहीं जल्दी भर रहा है ऐसा कोई दिखाई देता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें और सर्जन्स को दिक्कतें नहीं झेलना पड़े हमें उनको ट्रीटमेंट देना ज़्यादा आसान पड़े और वो पर्सन और फैमिली का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाए रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको हम अच्छी करने की कोशिश कर सकते ये इसके अलावा ऐसे भी देखा गया है जो टोबैको इंडस्ट्री है ये हमेशा यूथ को टारगेट करती है और जो जैसे बोला मैंने कि मीडियन एज जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जैसे यहाँ पर बताया गया वैसे ही मैं वापस एक बार बताना चाहती हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है प्रीवियस रिपोर्ट्स में कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपिक्शन ऑफ टोबैको एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरोगेट एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ इनिशिएशन ऑफ टोबैको ऑन द कॉन्ट्ररी वेन The mass media campaigning, such as like this event, is there, which talks against tobacco use. It is also helpful for improving the health of that particular individual and for the community. Thank you. Thank you, ma'am.